मध्य में लॉकडाउन में दुकानदार अधिक मूल्य लेने से बाज नहीं आ रहे हैं और आम लोगों से लूट खसोट कर रहे हैं। जहां पर आपको बताया चले कि नीमच के पदस्थ कारूलाल पुरुषकर्मी आज यहां पर मानसा रोड पर स्थित धाकड़ मार्ट पर किशमिश का पैकेट 250 ग्राम का खरीदा, जिसकी कीमत 165 रुपए बताई जा रही है। जो आपको बताया चले कि मार्केट रेट 350 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिसकर्मी कारूलाल ने खाद्य निरीक्षक संजीव मिश्रा को कॉल करके अधिक मूल्य लेने के बारे में बताया, जिसके साथ ही यहां पर मिलते मिश्रा तुरंत पहुंचे और लॉकडाउन में दुकान 11 बजे का समय होने के कारण दुकान बंद करा दी, जिसके चलते ही कार्रवाई आगे की जारी है। टाइम के लिए उस के लिए हाजिर। कल नीमच सिटी थाने के अंदर में कारूलाल गार्ड के पदस्थ है, कॉन्स्टेबल उन्होंने यहाँ से RS ब्रांड का एक किशमिश खरीदा था, जो कि इस तरीके का पैकेट निकल गया है। ये 250 ग्राम का पैकेट उनको जो है 165 रुपये में विक्रय किया गया। उनके द्वारा धाकड़ मार्ट के जो मालिक थे उनसे भी कहा गया कि इसका अधिक मूल्य लगाया जा रहा है, परंतु उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद में एक और वो अपनी महिला साथी के साथ में और उनके परिवार किसी के साथ में वापस से किशमिश का एक और पैकेट खरीदा गया और उनके द्वारा बाकायदा धाकड़ मार्ट से बिल भी लिया गया इसका, जो कि ये बताता है कि 250 ग्राम का ये पैकेट जो है 165 रुपये में विक्रय किया जाता है। उनका ये कहना था कि इसको अधिक मूल्य में बेचा जा रहा है, किशमिश इतनी महंगी नहीं आती है। उसके लिए हम लोग 11:15 बजे उन्होंने शिकायत की थी। 11:25 के जब हम यहाँ पर आए तो दुकान बंद हो चुकी थी। शिकायतकर्ता और दुकान मालिक दोनों ही क्षेत्र के बाहर खड़े हुए थे और इन दोनों से हम लोगों ने नाम पूरा लिखा, बिलंता लिया और उसके साथ में ये पैकेट को भी लिया। आज नापतौल विभाग को भी साथ में लेकर आज यहाँ पर जाँच की गई थी। उनको बिल निकालने के लिए कहा गया था, जिससे पुष्टि हो सके कि वास्तव में ये किशमिश इनको कितने रुपए में मिली है। जिससे आधा किलो तो 250 ग्राम का पैकेट लिया, दो चना लिया, इन्होंने मुझसे 382 रुपये लिए। तो मेरे द्वारा पूछा गया आपका भाव क्या है, उन्होंने मुझे बताया 660 रुपये किलो जी। तो मैं लेकर चला गया, उसके बाद में फिर वापस किसी को पूछा है कि दाँत लेके आधा किलो फिर लेना है, तो फिर वही भाव उन्होंने लिया। फिर मैंने आके कन्फर्म किया इनसे कि आप दाँत का भाव बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो बोले हाँ अभी महंगी है और 660 रुपये ही लगेगा। उसके बाद मैंने उनको कहा कि जो इन्होंने पॉलिथीन थी उसमें प्रिंट नहीं है, कैसे क्यों नहीं लिखा इसको जी। तो ये बोले कि आगे से लिख के नहीं आता, मुझे आपके द्वारा नहीं लिखा गया है इस पर, आप लिखते हैं इस पर, आपने क्यों नहीं करा। तो बोले गलती हो गई मेरे से। तो फिर आपने कहाँ शिकायत करी? मेरे द्वारा सर को निशा सर है, उसको बताया गया सर मेरे साथ ऐसी घटना हुई है जी। आप यहाँ आ जाइए, मैंने इनसे बिल भी लिया जो उस पर 300 रुपये उन्होंने आधा किलो लगाया और 660 रुपये उन्होंने बताया कि कन्फर्म भी हुआ, एक किलो ली उसके 660 रुपये उन्होंने लिए। क्या लॉकडाउन के दौरान शासन के आदमियों से इस तरह पैसे दिए जा रहे हो और कई मजदूरों से भी इससे भी ज़्यादा दिए जा रहे होंगे? मेरे द्वारा बताया भी गया है कि आप ये 600 रुपये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका भाव नहीं है जी। तो ये बोले नहीं अभी महंगी है। मैंने उससे पूछा महंगी क्यों है, तो बोले अभी महंगी आ रही है। आप वर्दी में थे और आपने और किसके साथ किस प्रकार की ठगी हो गई है, तो आम जनों के साथ क्या हो रहा होगा, क्या लगता है? मेरे द्वारा बताया गया, इनको कहा गया कि जब हम वर्दी में है, हमारे साथ आप ऐसा कर रहे हो, तो फिर जो नॉर्मल लोग हैं उनसे क्या ले रहे हो आप? सबसे बड़ी बात, आपने प्रिंट क्यों नहीं की? जो चीज़ आप दे रहे हो उस पर आप प्राइस क्यों नहीं लिख रहे हो? प्राइस होना चाहिए ना, प्राइस टैग क्यों नहीं है? मतलब आप कुछ भी पैसा ले सकते हो इसके हिसाब से। कहीं कहीं नीमच में लूट मार चल रही है। हाँ, मेरे साथ तो हुई है, तो चली थी।